नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैथ प्रैक्टिस मंडी परिषद परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस हैं, हमने लिख दिए हैं। एक बार आप क्वेश्चंस पे नज़र दौड़ा लें तो हम इसे सॉल्व कराना शुरू करें, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनका सोल्यूशन हम इधर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने और हर को 20% घटाने पर 1/3 प्राप्त हुआ, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप जानते हैं कि भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक अंश होता है और एक हर। तो हम लिख लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y। दोस्तों, यहाँ लिखा है कि अंश को 20% बढ़ा दें, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120/100। अब हम यहाँ 100 नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब जब हम लिखेंगे तो x/120/100 और नीचे लिखेंगे y/20% घटा है 80/100, तो 100 और 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। यहाँ हो गया y/80, और इसे करने पर वो कहता है कि आपका प्राप्त होगा 1/3। तो दोस्तों, इतना बराबर 1/3। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं हल करूँ तो 40 × 80 और 40 × 120। दोस्तों, आप इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं तो ये 3 × 3 आ गया 9x = 2x/2y। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं जब हम इसकी तुलना करते हैं तो x/y मिलता है, ये x की वैल्यू है और ये y, तुलनात्मक करने पर इसका अंक ये प्राप्त होगा और इसका ये प्राप्त होगा, तो x/y इक्वल आ गया 2:9। तो दोस्तों, रेशियो का मतलब बटे होता है, तो ये 2/9, अर्थात वो भिन्न हमारी कौन सी थी, 2/9। एक बार पुनः बताते हैं, अंश मैंने x माना, हर y माना, अंश को 20% जोड़ बढ़ाना है मतलब 100 में वृद्धि करनी है 20 की, तो 120 हो गया, और हर को घटाना है 20%, 100 में 20 घटाया तो 80 हो गया। बस इसे सॉल्व कर दिया मित्रों, तो आ गया कितना, 2/9। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए और आते हैं, इन्हें दिमाग में रखिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग इसे साफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बार आया है, दिया है 1 − 2 + 3 − 4 + इस तरह आपको +99 − 100। तो मित्रों, या तो हम प्लस वालों को अलग कर लें या तो माइनस वालों को अलग कर लें, तो हमें टाइम लगेगा, तो हम नहीं करते हैं माइनस प्लस अलग। इसे देखिएगा, एक जोड़े से मुझे कितना मिल रहा, -1, इस जोड़े से कितना मिल रहा, -1, इस तरह अगर हम आखिरी जोड़ा लें तो हमको मिल रहा -1, अर्थात 1 से 100 तक दो दो का जोड़ा बनाए तो सब में -1 मिल रहा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें कितना जोड़ा बनेगा, अगर 100 संख्या है तो 50 जोड़ा बनेगा, अर्थात उत्तर आएगा -50। चलिए, हम इससे नहीं करते हैं, हम इसे दिमाग में रखते हैं और एक छोटा सा रूल इसी पर बना देते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो आप अंतिम संख्या लीजिएगा चिन्ह के साथ, अंतिम संख्या आप चिन्ह के साथ लीजिएगा और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इस प्रश्न में अंतिम डिजिट जो है वो -100 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -50। ऐसा क्यों है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि दो जोड़े से हमें -1 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन्हें भी आपको दिमाग में रखना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है, एक परीक्षार्थी ने 10 संख्याओं का औसत मान 20 ज्ञात किया, बाद में ज्ञात हुआ कि 27 के स्थान पर 72 लिखा गया है। देखिए दोस्तों,
आपको दिया है 10 संख्याओं का औसत, तो आप 10 संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो आ गया कितना। जब उस परीक्षार्थी ने 10 संख्याओं का औसत मान 20 ज्ञात किया, मतलब उसका टोटल जोड़ आया था 200, लेकिन उससे गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? लिखना था 27, ये देखिए 27 के स्थान पर 72 लिख दिया। अब 72 लिखा, अर्थात इससे गलती हुई। कितने की गलती हुई? 7 में से 2 गया 5, और इधर ये 12 में से 7 गया 5, और इधर 45, वो भी निगेटिव में। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताते हैं, अगर जो सही लिखना है उसे पहले लिखिए, जो लिखा है उसे बाद में लिखिए। माइनस आया तो इसमें से घटाइए, और प्लस आया तो इसमें जोड़िए। अब देखिए आपका सही योग क्या हो जाएगा, 200 आया, लेकिन इसमें कम होना है कितना, 45, तो घटा दीजिए। जब आप इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 155, ये सही योग है। तो दोस्तों आपका सही औसत क्या होगा? औसत होता है योग बटे पदों की संख्या। योग है 155 और पद है इसमें 10, तो आप भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 15.5। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव आता तो जहाँ घटाए हैं वहीं हम लोग जोड़ देते, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इन्हें आप दिमाग में रखेंगे अच्छे से। एक के बजाय कभी कभार दो दो दे देता है कि मुझसे 2 गलती हुई, तो दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर देते हैं। अगला देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। दिया है एक थैली में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अब दोस्तों अगर तीनों का पूछा होता तो हम ऑप्शन का उपयोग करके उत्तर निकाल लेते, लेकिन कोई बात नहीं, एक का पूछा। आपको सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का क्या दिया है भाइयों? अनुपात दिया है, तो हम इसे बदल देते हैं सिक्कों की संख्या में। 1 अनुपात है तो दोस्तों आप इसे एक्स लिख लीजिए, ये सिक्कों की क्या आ जाएगी? संख्या। आप जानते हैं अनुपात पूर्ण नहीं होता, एक्स के रूप में लिखते हैं। 2 है तो ये 2x, और ये कितना x? 3x। मित्रों अब यहाँ मूल्य दिया है तो आप सबसे पहले तो इन्हें आप कन्वर्ट करेंगे किस में? मूल्यों में। अब दोस्त आप जानते हैं मूल्य में कैसे बदलते हैं। एक्स सिक्का है 1 रुपये का, तो ये कितना रुपया बनेगा? 1x रुपया बनेगा। ये 2x सिक्का है और 50 पैसे को आप रुपए में बदलेंगे तो ये क्या बनेगा? 50/100। आप इसे बदलेंगे तो 3x × 25/100। दोस्तों 1 रुपये का 1x रुपया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 50/100, ये भी x है और ये आपका है 3x/4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 रुपये का कै रुपया है? 1x रुपया है। 50 पैसे का 1x है, लेकिन 25 पैसे का 3x/4 है। वो कहता है अगर टोटल रुपयों को आप ऐड कर लो तो आपका आना चाहिए 220 रुपया। तो दोस्तों हम इनको जोड़ते हैं, इसका बटे कुछ नहीं मतलब बटे 1 है, करिए 4x+, इसका इसमें भी गुणा होगा, 4x + 3x = 220, इसका अपान 4 है। दोस्तों आपने प्रश्न देख लिया, मैं थोड़ा सा प्रश्न हटा देता हूँ। देखिए तो 4 4 8 3 11x = 220, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे कट गया 20 आ गया, तो x बराबर आ गया 20 जो 80। दोस्तों अब देखिए आपसे एक पूछा है लेकिन मैं सब बता देता हूँ। जैसे पूछे 1 रुपये का सिक्का तो कितना है, जरा ऊपर देखें, 1 रुपये का सिक्का x है तो x की वैल्यू 80 आई, मतलब 1 रुपये का 80 सिक्का है, ठीक है।
50 पैसे का अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो 50 पैसे का 2x है, मतलब 80 को 2 से गुणा कर देंगे तो 160 सिक्का है। इस तरह अगर 25 पैसे का पूछे तो 25 पैसे का आपका है 3x, तो 80 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 240 सिक्का है। मित्रों, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, रिपीट भी होता है बार बार, तो इसे बढ़िया से दिमाग में रख लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सिक्का दिया है, इसको मूल्य में मैंने कन्वर्ट कर लिया। उसने कहा टोटल मूल्यों को अगर आप जोड़ेंगे तो 220 आना चाहिए। मैंने टोटल मूल्यों को जोड़ा, 220 आया। हल करने पर एक्स की वैल्यू 80 आया। यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको इन सब की वैल्यू निकल आएगी। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपके हैं इसमें। कहता है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, या तो आप लॉन्ग बेस लगाएं या तो एक रूल रट लें, रूट एक्स प्लस 25 और माइनस 50, और यहाँ बाहर कितना 10। हम आपको और सरल तरीका बताते हैं, लेकिन इसको दिमाग में रखिए, अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए। तो ये 10 हो गया दोस्तों, और ये आपका हो गया x की वैल्यू 144 और प्लस 25, याद रहे दोस्तों 50 बाहर है, तो ये आपका आ गया 10। और 144 और 25 169 होता है, 169 13 का वर्ग होता है, माइनस 50। तो दोस्त 13 दाम 130 माइनस 50 इजकल टू 80 रुपया, तो यही आपका उत्तर है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये नहीं याद रहा दिक्कत हो जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं ऑप्शन से बताता हूँ आपको कैसे। ऐसे ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा 80 रुपया, मैं चारों ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, 80 दिया है, 90 दिया है, 100 दिया है, 120 दिया, हमको जो सही है मतलब है। ये 80 रुपया क्रय मूल्य है, ये 80 रुपया क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। अगर आप 80 की वस्तु 144 में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा कितने का दोस्तों, ये 4 आ गया, 8 6 14, 64 रुपये का लाभ होगा। और दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर आपको पता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ 64 का, क्रय मूल्य 80 और गुणे 100, इसको काटिए, ये 8 28 64, तो ये 80%। दोस्तों आपसे कहा था कि ये वाला कास्ट प्राइज और ये प्रॉफिट परसेंट दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो मित्रों जिस विकल्प में ये दोनों समान मिल जाएं वही आपका उत्तर है। फिर से बताता हूँ, 80 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु है, आप 144 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 64 रुपये का, तो 64 रुपये का लाभ हुआ, तो 64 रुपये का लाभ इस क्रय मूल्य पर कै प्रतिशत है, 80। और यही तो कहा था कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है दोस्तों 4,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों 4,000 रुपया आप जो रटते हैं, रटिए मत, ध्यान से देखिए, इसके 10% से आपने मुझको उधार दिया। मैंने आपसे 4,000 रुपया लिया और आपसे मैंने कहा कि मैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दूंगा, तो एक साल में मेरा ब्याज बन गया 400 रुपया। लेकिन दोस्त मेरे पास पैसा नहीं हुआ कि मैं आपको वापस कर सकूं, ठीक है, 400 रुपया ब्याज भी मेरे पास देने को नहीं था और ना तो ये 4,000 था। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल आपका पैसा वापस नहीं करूंगा। मित्रों अगली साल आपको यहाँ से ब्याज मिलेगा 10%, तो ये 400 मिलेगा, और दोस्त इससे भी ब्याज मिलेगा 10%, तो 40 मिलेगा, अर्थात टोटल मुझे 2 वर्ष बाद आपको ब्याज देना पड़ जाएगा कितना रुपया, 840। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है अपने ऊपर जितना है उनसे ब्याज लेना, अर्थात जो
वर्ष में ब्याज मिला है वो भी चेंज हो जाता है मूलधन में। अब दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे ये तो लंबा, इससे भी सरल है, लेकिन रटना पड़ेगा। एक वर्ष है तो एक, दो वर्ष है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, दो एक, तीन वर्ष है इसमें एक जोड़ दीजिए और इनको आपस में जोड़ दीजिए और एक, चार वर्ष है इसमें एक जोड़ दीजिए, तीन एक चार, इनको आपस में जोड़ दीजिए छः, इनको आपस में जोड़ दीजिए चार और एक। चार वर्ष से ज़्यादा पूछता नहीं, याद रखिएगा। एक एक दो एक, फिर दो एक तीन और ये दोनों, फिर ये तीन तीन, पहले तीन एक चार, तीन तीन छः, तीन एक चार और एक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। देखिए 4000 का 10% निकाल लीजिए, 400। यहां दिया है दो वर्ष, और अगर दो वर्ष है तो आपको लेना है दो और एक, तो पहले इसे दो से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 800। ये दो हो गया, लेकिन अभी बचा है, कौन सा बचा है? एक बचा है मित्रों। आप इसका 10% फिर से लीजिए, 40 होगा और एक, इनको जोड़ दीजिए, यही चक्रवृद्धि ब्याज बना। तो दोस्तों P1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P से लाख गुना बेहतर है ये दोनों रूल, तो इन्हें भी आप दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला दिया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब समझ में आ रहा होगा। अगला दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा? दोस्त कोई धन का मतलब जो मन हो मूलधन मान लीजिए, तो मेरी इच्छा हुई एक मानने की, मैंने एक मान लिया, आपका मन हो दो मानिए, 100 मानिए, 500 मानिए, 400 मानिए, उत्तर सेम टू सेम आएगा। मूलधन एक है, आपको दर ज्ञात करना है दोस्त, और आपको समय दे रखा है दोस्त 4 वर्ष, और आपसे कहता है हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा? दो गुना। तो मूलधन का दो गुना आपका हो गया 2 रुपया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं मैं एक मानूंगा, आप 5 मानिए, 2 मानिए, एक्स पी आर, जो मन हो मानिए, कोई धन का मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड है, लेकिन जो मानिएगा उसका यहां दुगुना करना अनिवार्य है दोस्त। आप ब्याज कितना, ब्याज बराबर आप जानते हैं मिश्र धन और माइनस मूलधन, तो ये 2 - 1 = 1। दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर आ जाता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। प्रश्न में मूलधन एक है, आर ज्ञात करना है, टी 4 है, बटे 100 बराबर ब्याज भी मुझे मिला है 1 रुपया। दोस्तों इससे ये कट गया, 25 आया, तो आर इक्वल आ गया 25%। या दोस्तों आप छोटा सा लिख भी सकते हैं इसी को, N-1/R × 100। दोस्तों R तब रखेंगे जब R दिया हो, और T तब रखेंगे जब T दिया हो। ऑब्लिक लगाया हो मैंने, R के R दिया हो तो R रखिएगा, और T दिया हो तो T रखिएगा। N मतलब गुना होता है, तो 2 - 1, R नहीं दिया है, T दिया है, और गुणे 100। दोस्त 1/4 × 100, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। ये कै परसेंट आ जाएगा? 25%। ठीक है मित्रों, ये भी आपको बेहतर, आप याद रखिएगा, यहाँ जो मन करे मानिए, बस जो मानिएगा उसका यहाँ दुगुना करिएगा, आपका उत्तर सेम मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, कोई धनराश चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद स्वयं का दुगुना हो जाएगी। मैंने ये आपको बता दिया साधारण ब्याज की दर से, तो इस प्रश्न को मिटा देते हैं। अगला ये दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो स्वयं का 27 गुना होने में कितना समय लेगी? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ मत करिए दोस्त, एक तरफ समय लिख लीजिए और एक तरफ दोस्तों गुना लिख लीजिए। देखिए दिया है 2 वर्ष में 3 गुना, तो यहाँ आप 2 वर्ष लिख लीजिए, यहाँ आप 3 गुना लिख लीजिए। ये कहता है स्वयं का 27 गुना, फिर गुने के नीचे 27 लिख लीजिए और 3 के रूप में इसे तोड़ दीजिए, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। मित्रों
इस समय का इससे गुणा करने पर हमेशा आपका उत्तर आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आया आपका 6 वर्ष। फिर से बताता हूँ, इधर समय, इधर गुना, समय 2 गुना 3, यहाँ हो गया 27, 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इसकी घात को इसके समय से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न दिया गया है बेटा, 1 ऋण 1/2, 1 ऋण 1/3, 1 ऋण 1/2, ऐसे जब तक चाहें लिख डालें, इसका है 1/999। मित्रों इसे हल करिए, 2 1 के 2 में से 1 गया 1/2, 3 1 के 3 में से 1 गया 2/3, ये आता जाएगा 3/4, ऐसे डाट डाट 999 में से 1 गया 998, 1 गया तो 998, ये देखिए दोस्त यहाँ कट रहा है। याद रखिएगा, अगर यहाँ हर कटा तो अंतिम वाले का हर बचेगा, और अगर यहाँ अंश कटता तो अंतिम वाले का अंश बच जाता। फिर से सुनिए, अगर यहाँ अंश कटा तो अंतिम का अंश बचेगा, और अगर यहाँ हर कटा तो अंतिम का हर बचेगा। तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 999, तो आपका कितना आ गया 1/999। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन दिया गया है, 0.23 के ऊपर बार और प्लस 0.52 के ऊपर बार। दोस्तों ये पुनरावृत्त भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं शुद्ध और एक होती हैं मिश्रित। शुद्ध वो होती हैं जिनमें दशमलव के बाद सब पर बार लगा हो, और मिश्रित वो होती हैं जिनमें कुछ अंक छोड़कर बाकी पे बार लगा हो। तो ये शुद्ध है, अगर शुद्ध है तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद जो अंक लिखा है उसे बिना दशमलव के आप लिख लीजिए, दशमलव के बाद जो अंक लिखा है उसे बिना दशमलव के लिख लीजिए, और हर में उतनी बार 9 लिखिए जितने अंक पर दशमलव लगा है। तो कई अंक पर? 2 अंक पर। यहाँ भी दोस्तों आपका लगा है 2 अंक पर, तो ये भी आपने लिख लिया। बीच में प्लस का निशान है तो हम प्लस लगाते हैं, हर बराबर है जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 5 2 7, 75/99। लेकिन दोस्तों अगर वो बार में दिया है तो आपसे उत्तर भी तो बार में वो लेगा ना भाई। हाँ, अब कुछ नहीं करना है, भागोग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 बार 9 है तो 2 अंक पर बार लगेगा दशमलव के बाद, तो वो दोनों अंक कौन हो जाएंगे? 7 5। या आपको दिमाग से उतर गया कि बार कैसे लगाएं क्या करें, तो आप 75 को 99 से भाग दे लीजिएगा, ये लगातार 7 5 7 5 7 5 दशमलव के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए था पहला, इसके बाद जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं और ऐसे आते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।